हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो ले आए हैं टॉय जॉय किड्स ट्राईसाइकिल पे, जो कि छोटे बेबीज की साइकिल है। तो आइए चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं पहले, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे कैसे घर में ही बैठ के असेंबल किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ट्राईसाइकिल की मेन फ्रेम है, और इसी पे यहाँ पे इस तरफ हम जो व्हील्स हैं वो जॉइन करेंगे। ये बैक व्हील है, हमने पीछे से स्टार्ट किया इसे बनाना, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आगे से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप आगे से भी कर सकते हैं। अब हम सीट की बैक को लगाएंगे, फिक्स करेंगे, और ये हम इसमें डालेंगे, और एक नट लगेगा यहाँ पे, वो नट भी हम लगाएंगे। अब हम सीट को जॉइन कर देंगे। सीट को हम दो नट के साथ सिक्योर करेंगे, यहाँ पे नट लगेंगे। अब हम इसके फ्रंट व्हील को लगाएंगे। अगर आपका फेंडर अलग है तो आप उसको अलग से फिक्स कर सकते हैं। हमने पहले ही फेंडर को लगा लिया था। अब इस पाइप को हम इसमें फिक्स करेंगे, और इसके ऊपर हम बास्केट लगाएंगे। फ्रंट बास्केट जो छोटी वाली है उसे हम लगाएंगे, और इसके बाद हम इसका हैंडल जो है, फ्रंट हैंडल जो है, उसे भी लगा लेंगे। अब हम इस बास्केट को और हैंडल को लगा चुके हैं। अब हम इसको ऊपर उठाएंगे ताकि हम नट के साथ इसको फिक्स कर सकें। अब हम इसकी बैक वाली बास्केट को फिट करेंगे, जो थोड़ी सी बड़ी है, और इस नट को यहाँ से निकाल के इसे इसके अकॉर्डिंगली फिक्स करेंगे, और नट को वापस उसमें लगा देंगे। इसमें आप अपना सामान भी रख सकते हैं, बच्चे की वाटर बॉटल, मिल्क बॉटल, कुछ भी आप रख सकते हैं। अब हम सेफ्टी हैंडल लगाएंगे। तो पहले सेफ्टी हैंडल को इसमें डालिए एक साइड के, और ऊपर से फिक्स करने वाली कैप होती है, इसको आप पुश करेंगे अच्छे से तो वो फिक्स हो जाएगा उसमें।
उसी तरह हम दूसरे हैंडल को भी फिक्स कर लेंगे और कैप लगा देंगे। अब हम इसका सीट कवर जो है वो लगाएंगे। ये आपकी मर्जी है, अगर आपका बेबी छोटा है तो आप इसे लगा सकते हैं, अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले इसको सीट कवर को लगाएंगे, फिर सेफ्टी हैंडल को ओपन करेंगे और उसके अंदर इसे फिक्स कर देंगे। पेरेंटल हैंडल को फिक्स कर लेंगे। इसकी हेल्प से आप बेबी की साइकिल को कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, मींस उनको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बेबी छोटा है और उसको गार्ड रेल की ज़रूरत है तो। अगर आपका बेबी साइकिलिंग जानता है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। हम डायरेक्शनल रॉड को फिक्स कर लेंगे जो कि पेरेंटल हैंडल को रोटेट करने में हेल्प करेगा। उससे आप आराम से जो फ्रंट व्हील है उसको इधर उधर मोड़ सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो इसको हम आगे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फुटरेस्ट हैं, अब हम इन्हें आराम से नीचे कर सकते हैं, इस पर बेबी अपने फीट रख सकता है। अब हम लगाएंगे बच्चों की सबसे फेवरेट ट्रिंग ट्रिंग, तो बेल यहाँ पे लगा देंगे हम। नट के साथ इसको जस्ट फिक्स करना है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।